मुंबई में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज एमपी की धरती से चलकर महाराष्ट्र शिवाजी की धरती पर इस भाव से आया हूं कि लोकसभा चुनाव में हमारी भी थोड़ी हिस्सेदारी हो। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि महाराष्ट्र चुनाव में हमारे सभी लोग यानी हमारी जो सरकार है अपने कामों के बलबूते पर पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है वो दृढ़ गति से काम कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में कई विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहलों की सरकारों में विकास का कोई काम नहीं हुआ। वहीं उन्होंने आगे कहा कि 4 जून को आने वाले नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा सुनिए। पत्रकार परिषद को संबोधित करें। नमस्कार, मैं लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज मध्यप्रदेश की धरती से चल करके महाराज शिवाजी की धरती पर इस लोकसभा चुनाव में हमारी अपनी भी थोड़ी हिस्सेदारी हो इस भाव से आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि महाराष्ट्र चुनाव में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आशीष जी, माननीय प्रभारी दिनेश जी, हमारे सभी पदाधिकारी और जो मेरी जानकारी में है कि हमारी जो सरकार है अपने कामों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से काम करना चाहिए वो द्रुत गति से काम करते हुए दिखाई दे रही है। मैं आश्चर्यचकित तो तब हुआ, आनंद भी आया मुझे। ये वो सरकार है जिन सरकारों के कारण से अब समुद्र से हम सुरंग से निकल के आ रहे हैं, पुल बन रहे हैं। वो सरकार भी देखी जिस सरकार के कारण से मेट्रो रोक दी गई, विकास के कामों पे अड़ंगे लगाए गए थे। तो ये सरकार का जो फर्क होता है, मुझे इस बात का आनंद भी आया। मैं पहली बार आया तो बाकायदा वीडियो बनाते हुए आया कि ये कितना अच्छा लग रहा है, नीचे पानी ऊपर पानी लेकिन बीच में कोई पानी नहीं, बीच में जिंदगानी। ये जो एहसास हमको है इसका आनंद हमको होता है कि ये लगता है कि जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था उधर जर्मनी ऑस्ट्रेलिया, तब उस मुझे मजा आता था कि ये कोई ऐसा होता है कि समुद्र के अंदर सुरंग बना के रास्ते बन जाए। लेकिन हाँ, हम अब कह सकते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये हमारे निर्णयों से न केवल विकास की गतिविधि आगे बढ़ती है बल्कि देश का मान सम्मान भी बढ़ता है। मैं तो और सौभाग्यशाली हूँ, महाराष्ट्र की धरती को इसलिए नमन करता हूँ कि महाराज शिवाजी ने एक सपना देखा था हिंदवी साम्राज्य का, और उसका परिणाम ये रहा कि उज्जैन के सारे मंदिर जो 1235 में ध्वस्त हुए थे, हमारे स्कंद पुराण के वंती खंड के हिसाब से सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार महाराज सिंधिया जी के समय, राणोजी सिंधिया जी के समय हुआ है। तो मुझे और आनंद आया इस अवसर पे कि ये वो साल ऐसा था, 250 साल ज़्यादा हो गए जब हम तो नहीं थे, लेकिन आज के काल में मैं उस आनंद को महसूस कर रहा हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मोहन जी, मध्य प्रदेश के भीतर जो माहौल बनाने की कोशिश चुनाव में हुई थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं हार रही है, करप्शन और ये सारी चीजें, वैसे ही एक मुहावरा बहुत अच्छा है, नई नई बाल कितने ठेर भी सामने आते हैं। अभी जरा देख लेना ये आ रहा 4 जून के तरीके, क्या फर्क पड़ रहा है, 4 चरण हो गए हमारे, अब कोई चुनाव बचे नहीं, ना कोई कम ज्यादा कर सकते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है कि वो हर बार 14 में 27, 19 में 28, अब ये आ गया 3रा चुनाव, तो अब आप अपने आप गिनती कर लेना। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर अभी तो विषय खत्म हो गया ना, आप दूसरों का नंबर जान दो।